जय श्री राधे कृष्णा। ये बात तो हम सब जानते हैं कि देवी रुक्मणी जी के कहने पर श्री कृष्ण ने उनका हरण करके उनसे विवाह किया था। आज की वीडियो में हम वो स्थान के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पर श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का विवाह हुआ था। श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी का हरण करके द्वारका लेकर आए और द्वारका में माधवपुर जिले में रुके। वहाँ पर श्री कृष्ण ने पहले तो मधु नाम राक्षस का वध किया था, इसलिए इस स्थान को मधुबन कहते हैं। बाद में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से इसी स्थान में विवाह किया था। देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण ने चैत्र शुद्ध 12 के दिन यहाँ पर विवाह किया था। आज भी इस मंदिर में रुक्मिणी देवी और श्री कृष्ण का विवाह मंडप मौजूद है। यहाँ पर हर साल चैत्र शुद्ध 12 के दिन श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर में दो मंडप हैं। एक मंडप में विवाह होते हुए सूर्यदेव साक्षी थे और दूसरे मंडप में चंद्रदेव साक्षी थे। ये स्थान सोमनाथ मंदिर से 72 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये आज की वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और यूनिट को सब्सक्राइब कीजिए।